हेलो एवरीवन, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में हम लोग ब्लॉक 4 कवर कर रहे थे, प्रोटेक्टिंग आवर इन्वायरमेंट पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस। हमने पढ़ना स्टार्ट किया था इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशन, और पिछले क्लास में हमने कवर किया था इंटरनेशनल कन्वेंशन। तो आज हमें पढ़ना है इश्यूज इन इन्फोर्समेंट और इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट फॉर मॉनिटरिंग एंड इन्फोर्समेंट। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा ओवरव्यू दे देती हूँ कि क्या क्या हमने अभी तक पढ़े हैं। सबसे पहले मैं आपको करंट स्टेटस के बारे में बताई थी कि अभी का क्या स्टेटस है। बहुत सारे इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है, सारे ग्लोबल इन नेचर है ना। उसके बाद हमने नेशनल लेजिस्लेशन के बारे में पढ़ा था, इसमें हमने वाटर एक्ट को देखा, एयर एक्ट को देखा। उसके बाद हम फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ एक्ट के बारे में पढ़े थे, और इसी के अंदर बहुत सारा एक्ट आया था, है ना। और फिर हमने जनरल एक्ट के भी बारे में पढ़ा, जिसमें हमने देखा कि बहुत सारे ट्रिब्यूनल बनाए गए और इसके थ्रू एनवायरनमेंट को जस्टिस देने की बात की गई, ठीक है। उसके बाद हम इंटरनेशनल कन्वेंशन के बारे में पढ़े, हमने स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस को देखा, फिर रियो डी जेनेरियो कॉन्फ्रेंस को देखा, जिसे हम अर्थ समिट के नाम से जानते हैं, और ये दो अर्थ समिट के आउटकम थे, इनके बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने देखा था यूनाइटेड फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, फिर कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, Rio+10। ये क्या था? अर्थ समिट के 10 ईयर को रिव्यू करने के लिए ये समिट हुआ था, है ना। उसके बाद हमने देखा था बेसल कन्वेंशन, है ना। बेसल कन्वेंशन किससे रिलेटेड है? केमिकल एंड हजार्डस वेस्ट। उसके बाद इसी तरीके के और दो कन्वेंशन है, क्या क्या है? रोटरडम कन्वेंशन और स्टॉकहोम कन्वेंशन। इसके अलावा कन्वेंशन ऑन द ओजोन लेयर, फिर कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये सेम है ना। उसके बाद हम पढ़े थे कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी, ठीक है। तो ये सारे चीज़ हमने कवर कर लिए हैं। अब हम आगे मूव करते हैं अपने आज के टॉपिक पे। क्या है वो? इश्यूज इन इन्फोर्समेंट। इतने सारे लेजिस्लेशन तो बना लिए नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, अब इसे हम इन्फोर्स कैसे करें? क्योंकि देखो, बहुत सारे प्रोटोकॉल है, अगर इसे सही से इम्प्लीमेंट किया जाता तो आज इतने इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम नहीं होते, ठीक है। तो देखते हैं क्या क्या इश्यूज है। सबसे पहला इश्यूज है, नेचर ऑफ द मोस्ट ऑफ द एग्जिस्टिंग इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशन आर एसेंशियली प्यूनिटिव नॉट प्रिवेंटिव। एग्जाम्पल से समझो कि अगर कोई केमिकल वाटर में मिल जाता है तो हम उसे कैसे साफ करें, ये बोलता है हमारा लेजिस्लेशन। ये नहीं बोलता कि हम वहाँ तक किसी केमिकल को पहुँचने ही नहीं थे। तो ये हो गया सबसे पहला इशू। प्रिवेंट कैसे करना है ये तो कोई बोल ही नहीं रहा, सब बोल रहा है कि कैसे बचाएं, यानी कि आप गंदा करोगे तभी ना आप बचाओगे, तो गंदा होने ही मत दो, ये लिखना था लेजिस्लेशन में। समझ गए पहला इशू। दूसरा है ओवरलैपिंग पावर्स ऑफ अथॉरिटीज। इंडिया में बहुत ही कॉमन है। यहाँ भी एग्जांपल से समझो, सपोज मान लो किसी कंपनी को कोई अथॉरिटी मना करता है कि हम आपको लाइसेंस नहीं देंगे क्योंकि आप एनवायरमेंट को बहुत पॉल्यूट कर रहे हो। उसके बाद ये कंपनी बोलेगा ठीक है मत दो, इसका चाचा विधायक है, तो ये अपने विधायक चाचा के पास चला जाएगा, वो उसे लाइसेंस दे देगा, ठीक है। तो यही चीज हो रहा है यहाँ पे। ये क्या है? ओवरलैपिंग ऑफ पावर। एक अथॉरिटी मना कर रहा है तो दूसरा उसे लाइसेंस दे दे रहा है। फिर आगे देखो, पुअर इम्प्लीमेंटेशन एंड एब्सेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग रूल। इम्प्लीमेंटेशन सही से नहीं हो रहा क्योंकि कोई स्ट्रॉन्ग रूल है ही नहीं। कितने सारे लॉज बना के रख दिए लेकिन उसे किस तरीके से इन्फोर्स कराया जाए उसके लिए कोई रूल है ही नहीं। तो ये क्या है? ये भी इशू क्रिएट करेंगे। उसके बाद सबसे मेजर, एक्सक्लूड पीपल्स पार्टिसिपेशन। क्या आप सिटीजन को एक्सक्लूड करके एनवायरनमेंट को क्लीन कर दोगे? हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे अगर सबसे मेजर रोल कोई प्ले कर सकता है तो वो हम है, क्योंकि गंदगी भी तो हम ही फैला रहे हैं ना। बस हल्ला करते हैं कि सरकार कुछ नहीं करती, सरकार कुछ नहीं करती। कभी खुद नोटिस करो कि गंदा सिर्फ सरकार नहीं, हम भी तो फैला रहे हैं। हम अगर रिस्पॉन्सिबल हो जाए तो गंदगी कम तो होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है? लॉ तो बना दिए लेकिन उसमें पीपल को किस तरीके से इन्वॉल्व किया जाए ये तो बताया ही नहीं। तो पीपल के पार्टिसिपेशन को एक्सक्लूड करोगे तो इशू तो बढ़ेगा ही, ठीक है। तो प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन विथ पीपल्स पार्टिसिपेशन मस्ट है। उसके बाद सारे डेवलपिंग कंट्रीज के प्रॉब्लम, शॉर्टेज ऑफ फंड। फंड है ही नहीं, कहाँ से आप इम्प्लीमेंट करोगे इतने सारे लॉ? पॉल्यूशन के नाम पे हजार लॉज बना दिए लेकिन उसको फंड भी तो चाहिए ना इम्प्लीमेंट कराने के लिए, वो है ही नहीं, बढ़ेगा इशू। उसके बाद पीपल्स अपोजिशन। कभी कभी पीपल भी अपोज करने लगते इतने सारे लॉ के लिए, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दिए थे कि CNG ये सारे लोग यूज़ करेंगे दिल्ली में, लेकिन पीपल अपोज करने लगे क्योंकि आप अचानक ही बोल दोगे कि सारे लोग CNG पे शिफ्ट कर जाओ तो पॉसिबल है ही नहीं, तो इसीलिए भी पीपल अपोज करते हैं। तो ये भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन में, ठीक है। तो ये भी एक इशू है। तो
तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जितने भी प्रॉब्लम यहाँ बताए गए हैं वो सारे ही इंडिया में हैं, इसीलिए प्रॉपर इन्वायरमेंट क्लीन नहीं हो पा रहा। फिर भी एफर्ट लगाया गया है तो हमें भी इन्वॉल्व होना होगा, तभी जाके इन्वायरमेंट क्लीन हो सकता है। ठीक है, आगे मूव करते हैं। आगे है टॉपिक इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट फॉर मॉनिटरिंग एंड इन्फोर्समेंट। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज किए ये सारे प्रॉब्लम, उसके बाद उन्होंने इस्टेब्लिश किया नेशनल कमिटी ऑन इन्वायरमेंटल प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन। फिर इसी को रिप्लेस कर दिया गया NCEPC से, नेशनल कमिटी ऑन इन्वायरमेंट प्लानिंग। तो NCEPC, इसका मेन मोटिव था गवर्नमेंट को एडवाइस करना सारे इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम के लिए और रिकमेंडेशन करना कि किस तरीके से इसे इम्प्रूव किया जा सकता है। तो NCEPC बना था 1972 में। फिर इसी को रिप्लेस कर दिया गया NCEP से, नेशनल कमिटी ऑफ इन्वायरमेंट प्लानिंग, और इसे बहुत सारा फंक्शन दिया गया। पहले का काम क्या था कि आप गवर्नमेंट को इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम के लिए एडवाइस करो और किस तरीके से इसे इम्प्रूव किया जा सकता है उसकी रिकमेंडेशन दो। लेकिन इस NCEP का बहुत सारा फंक्शन है, जैसे सबसे पहला प्रिपरेशन ऑफ एन एनुअल स्टेट ऑफ इन्वायरमेंट रिपोर्ट, क्या है कि आपको एनुअली रिपोर्ट बनाना है। फिर दूसरा इस्टेब्लिश करना है इन्वायरमेंटल इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, ताकि आप मास मीडिया के थ्रू इन्वायरमेंटल अवेयरनेस को प्रोपोगेट कर सको, आप लोगों को बता सको कि इस तरीके के प्रॉब्लम है। तो सिटीजन के अवेयरनेस के लिए ये प्रोग्राम बनाया गया। फिर तीसरा टू स्पॉन्सर इन्वायरमेंटल रिसर्च, इन्वायरमेंट पे रिसर्च करने के लिए स्पॉन्सरशिप लिए। फिर लास्टली फंक्शन है कि आप लोगों को भी सुनो, यानी कि आप अरेंज करोगे पब्लिक हियरिंग या फिर कॉन्फ्रेंस इन्वायरमेंटल इश्यूज से रिलेटेड। ठीक है, तो चार फंक्शन है। पहला क्या कि आप एनुअल इन्वायरमेंट रिपोर्ट बनाओगे, सेकंड आप इन्वायरमेंटल इन्फॉर्मेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम को इस्टेब्लिश करोगे और मास मीडिया के थ्रू अवेयरनेस फैलाओगे, तीसरा इन्वायरमेंटल रिसर्च के लिए स्पॉन्सर करोगे, और चौथा लोगों को भी सुनोगे। देखो जो मैं आपको बताई वो सारी चीज़ यहाँ लिखे गए हैं, पढ़ लो आप एक बार। प्रिपरेशन ऑफ एन एनुअल स्टेट ऑफ इन्वायरमेंटल रिपोर्ट फॉर द कंट्री, इस्टेब्लिशिंग एन एनवायरमेंट इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम टू प्रोपगेट इन्वायरमेंटल अवेयरनेस थ्रू मास मीडिया, टू स्पॉन्सर इन्वायरमेंटल रिसर्च, अरेंजिंग पब्लिक हियरिंग और कॉन्फ्रेंसेस एंड इशूज ऑफ इन्वायरमेंटल सिग्निफिकेंस। ये चार फंक्शन है NCEP के। इसके अलावा आगे देखते हैं, 1985 से बनाया गया मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट। तो पहले इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई मिनिस्ट्री नहीं था कैबिनेट में, कब बनाया गया, जनवरी 1985 में। फिर इसी को रीनेम कर दिया गया और नाम रखा गया मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो ये ग्लोबल इशू जब से इमर्ज हुआ क्या हुआ, नाम भी चेंज हो गया। नाम चेंज होने का मतलब है कि इसे और भी ज़्यादा काम करना है, अब इसे क्लाइमेट चेंज पर भी काम करना है। ठीक है, तो इस मिनिस्ट्री को बहुत सारे फंक्शन दिए गए, सबसे पहले कि आप कंजर्वेशन करो वाइल्ड लाइफ का, फॉरेस्ट का, फ्लोरा एंड फौना का। ठीक है, फिर आप एफॉरेस्टेशन करो, फिर जितने भी वेस्टलैंड पड़े हैं, जितने भी डिग्रेडेड एरिया हैं वहाँ पे एफॉरेस्टेशन करो, यानी कि प्लांटेशन ऑफ ट्री। ठीक है, पॉल्यूशन को प्रिवेंट करो या तो कंट्रोल करो, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करो, इको जनरेशन को प्रमोट करो, इन्वायरमेंटल एंड फॉरेस्ट रिसर्च को प्रमोट करो। ठीक है, तो इस तरीके से जितने भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड फंक्शन हो सकते हैं वो सारे ही दिए गए हैं किसे, इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री को। ठीक है, अब इस मिनिस्ट्री के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट आते हैं। ठीक है, तो लिखा है ना मिनिस्ट्री हैज मैनी डिवीजन डिपार्टमेंट एंड बोर्ड्स, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव है इम्प्लीमेंट करना इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशन को। तो जितने भी लेजिस्लेशन हमने अभी पढ़े, फिर वो चाहे नेशनल लेजिस्लेशन हो या फिर इंटरनेशनल लेजिस्लेशन हो, अब इंडिया जहाँ सिग्नेटरी होगा तो उसे तो फॉलो करना ही होगा ना उन सारी चीज़ों को। तो उस लेजिस्लेशन को इम्प्लीमेंट कराना किसकी ड्यूटी है, ये मिनिस्ट्री के डिवीज़न की, डिपार्टमेंट की या तो बोर्ड की। तो ये सारे देख लो, ये सारे डिवीज़न डिपार्टमेंट के नाम लिखे गए हैं, क्या क्या है, बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, नेशनल म्यूजियम ऑफ नेशनल हिस्ट्री, इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च एंड एजुकेशन, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, सेंट्रल पॉल्यूशन एंड कंट्रोल बोर्ड, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, नेशनल एफॉरेस्टेशन एंड इको डेवलपमेंट बोर्ड। ये सारे किसके अंदर आते हैं, इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के अंदर। इसी में सबसे इम्पॉर्टेंट है CPCB, यानी कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। इसे बनाया गया था 1974 में, ठीक है, अंडर द प्रोविजन ऑफ वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट ऑफ 1974।
यानी कि वाटर पॉल्यूशन के प्रोविज़न के अंदर बनाया गया था इस सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को। तो याद रखना है कि इसका फॉर्मेशन वाटर पॉल्यूशन एक्ट के प्रोविज़न के अंदर किया गया था। नाम ही है पॉल्यूशन, तो इसका काम ही क्या होगा? पॉल्यूशन को कंट्रोल करना, क्लीननेस को प्रमोट करना, एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करना, ठीक है। देखो, बना है वाटर पॉल्यूशन के प्रोविज़न के अकॉर्डिंग, लेकिन सारे पॉल्यूशन को कंट्रोल करता है, इसीलिए ये एयर क्वालिटी को भी प्रिवेंट करता है, ठीक है। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है, नाम ही है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, स्टेट का अलग होता है। तो ये CPCB ये कोलैबोरेट करता है SPCB के साथ, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ताकि ये स्पेसिफिकली मॉनिटर कर सके फ्रेश वाटर के क्वालिटी को, एयर क्वालिटी को। और इसी को मॉनिटर करने के लिए इन्होंने बनाया है 507 मॉनिटरिंग स्टेशन पूरे कंट्री में, ठीक है। तो इसके थ्रू ये क्या कर रहे हैं? मॉनिटर कर रहे हैं और प्रिवेंट कर रहे हैं पॉल्यूशन को, समझ गए। तो यही सारे थे चैप्टर में, बस आपको सारे चीज़ क्लियर हो गए होंगे। आप देख लो, ये सारे ही चीज़ आपको कवर अप करा दिए गए। तो यूनिट 12 हमारा कंप्लीट होता है, अब हम आगे चैप्टर में मूव करेंगे। तो मिलते हैं अपने अगले क्लास में। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।